तो नो डाउट कि अगर भाई साहब अभी भी मुंबई के गैंगस्टर के बारे में कोई भी मूवी या सीरीज है, जैसे कि दाऊद हो गया, उसके जितने सारे भी गैंग वगैरह हो गए उसके बारे में अगर सीरीज आए ना, तो भाई साहब लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से देखते भाई। तो उसी के रिलेटेड भाई साहब एक सीरीज का ट्रेलर देखा जिसका नाम है स्कोप, और ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये जो कहानी है ना, ये इंस्पायर्ड है विग्ना बोरा से। विग्ना बोरा एक जो थी ना, वो एक जर्नलिस्ट थी जिसको ना बहुत ज़्यादा ये था कि एकदम खुफिया केस के बारे में वो रिसर्च करती थी। और जर्नलिस्ट क्या होते, यही होता ना भाई कि एक्चुअली में बिना परमिशन के कहीं पर भी घुस के भाई सब रिपोर्ट निकाल ले। तो वो जो औरत थी ना, उसका रोल यहाँ पर प्ले करने वाली है भाई सब करिश्मा ताना। अब तुमको एक्चुअली में बताता हूँ स्टोरी क्या है। स्टोरी है कि आपको पता होगा छोटा राजन, जो भाई साहब दाऊद का एक टाइम में गैंग पार्टनर हुआ करता था, तो उसके रिगार्डिंग ये स्टोरी है कि जो यहाँ पर करिश्मा ताना जो जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही है, एक्चुअली में राजन की तरफ से एक फ़ोन आता है, अननोन कॉल आता है, मीडिया को बोल लो या पुलिस को बोल लो, एक फ़ोन आता है और उसमें बताता है कि भाई साहब मैंने किसी का एक मर्डर कर दिया। किसका मर्डर किया भाई साहब, वो आप सीरीज जब आएगी तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसने किसी का मर्डर कर दिया और जिसके कहने पर किया भाई साहब, वो थी भाई साहब करिश्मा ताना, मतलब वो जो जर्नलिस्ट थी। अब भाई साहब पुलिस क्या करती है भाई साहब, उस जर्नलिस्ट को उठाकर भाई साहब जेल में डाल देते, लेकिन वो जो रहती है ना बेगुनाह रहती है। अब इस सीरीज में हम लोग को ये देखना है कि एक्चुअली में जो कहानी रियल थी किस हिसाब से प्रेजेंट किया जा रहा है भाई साहब इसको सीरीज में, और क्या वो औरत सच में मतलब बेगुनाह थी, और अगर बेगुनाह थी तो क्यों उसको फंसाया गया, क्या छोटा राजन जो दाऊद का एक टाइम में गैंग पार्टनर था एक्चुअली में उसने ऐसा क्यों किया। तो देखो ये जो सीरीज है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और एक्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा भर भर के दिखाया जाएगा, एकदम फुल टू एकदम दिखाया जाएगा कि गैंग वार किस तरीका से है भाई साहब, पुलिस किस तरीका से जो है वो मतलब पॉलिटिशियन के दबाव में आकर किसी भी गैंग को मतलब रेड वगैरह नहीं डालती, तो सारा कुछ इस सीरीज में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टाइप का मूवी। देखो मैंने दाऊद कि जितनी भी मूवी आती है ना, बहुत सारी मूवी उसकी आई है, मैं सभी मूवी देखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है भाई साहब उस बंदे की जब कोई मूवी आती है ना उसके बारे में जानने में। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है एक्चुअली में उसकी स्टोरी जानने में, गैंग वॉर जानने में कि उस टाइम भाई साहब 1900 में मुंबई में एक्चुअली में चल क्या रहा था। वो सब चीज़ आज अगर बनाती है ना मूवी में किसी भी टाइप का कहानी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता देखने के लिए। तो अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो नेटफ्लिक्स पर जाकर देख लो, स्कोप नाम से ट्रेलर है। तो चलो आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट। Remember, take